subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. कम्युनिटी डिबेट में आप सबको खुश आमदीद कहना इसलिए भी अच्छा लगता है कि सब लोग क्वारंटीन में हैं और क्वारंटीन में रहते हुए किसी को देखना और उसके साथ बात करना, इसका ढंग ही बदल गया है। अब सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं और हम लाइन के ऊपर आके एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, यही नेमुल बदल है इस वक्त हमारे पास। हम कम्युनिटी डिबेट में कोई ना कोई ऐसा मामला लेके आते हैं जिस पे के बात करने की ज़रूरत महसूस होती है, जो एक चेंज होती है या जिसके बारे में कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से सोच रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। आज भी इस सिलसिले में हम बात करेंगे अदब के ऊपर। अदब में शायरी के हवाले से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीमा नकवी, जो एक बहुत अच्छी शायरा हैं और इस वक्त टोरंटो में रहते हुए बहुत काम कर रही हैं। जब हम बात करते हैं अदब की तो उसके साथ साथ आर्ट और कल्चर भी बहुत नुमाया नज़र आते हैं। आर्ट और कल्चर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो टोरंटो में मोज़ेक मेला एक बहुत ही खूबसूरत कल्चरल एक्सप्रेशन है, जिसकी रूह रवा बजाते खुद एक आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं आसमा अरशद महमूद साहिबा। वो भी हमारे साथ आज लाइन के ऊपर आएंगी और वो बात करेंगी कि ये क्वारंटीन 2020 कोविड 2019 और क्वारंटीन 2020 ने लोगों के ऊपर आर्ट और कल्चर के हवाले से क्या असर किया। जब इन सब मामलात के ऊपर बात होती है, इतनी बड़ी चेंज आती है दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा जो लोग मसरूफ़ नज़र आते हैं उनमें एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो ये प्रेडिक्शंस करते हैं कि हमने ये प्रिडिक्ट किया था, हुआ और ये प्रेडिक्शन होने वाली है। इस सिलसिले में हमारे साथ आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जनाब कैसर साहब, जो कि बहुत ही माने हुए एस्ट्रोलॉजर हैं और यहाँ टोरंटो कनाडा में मुकीम हैं। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे शायरी के हवाले से कि शायरी का हब टोरंटो, इसके अंदर हमारी बहुत ही प्यारी शायरा सीमा नकवी साहब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा नकवी, आपको खुश आमदीद। अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आपका, टैग टीवी का और आपके तमाम साथ काम करने वालों का बहुत शुक्रिया ताहिर असलम गोरा साहब का कि आपने मुझे यहाँ इतनी खुलूस दावत दी जिस पे मैं यहाँ मौजूद हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो मौजू आपने चुना है ये यकीनन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस पे बात करें, क्योंकि आप जैसा कि हम जानते हैं ये वबा जो आजकल करोना, जिस पे हर शख्स हर जगह ये जिक्र हो रहा है, इसने सारी दुनिया को तो अपनी लपेट में ले ही लिया है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि आपने कहा कि हमारा अदबी माशा, हमारा जो कल्चरल जो भी हमारा मंजरनामा है उस पे ये किस हद तक असरअंदाज हुआ है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी सवाल है और इसके जवाब शायद हमें वक्त ही दे पाएगा, लेकिन हम यकीनन इस पे बात कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, अदब जैसा कि आपने अभी अर्ज़ किया कि अदबी शायर, अदब अदीब शायर, पेंटर, जितने भी यहाँ पे अदब के ताल्लुक से लोग हैं, ये सब के सब नहायत हसास और लतीफ़ जज्बों वाले लोग हैं। तो जब भी दुनिया में कोई भी ऐसा हादसा, कोई ऐसी चीज़ रूनमा हो जिससे कि पूरी दुनिया पे असर पड़े, या इवन छोटा सा हादसा या कोई टेररिस्ट अटैक हो, तो हमारे शोरा और हमारे लिखने वाले और हमारे पेंटर्स जो हैं उन पर सबसे पहले उस चीज़ का असर होता है, और उसका इजहार यकीनन वो अपने लिखने से, अपनी शायरी से, अपनी नसर से और अपने पेंटिंग, अपनी तस्वीर से करते हैं। तो ऐसा ही आजकल भी हो रहा है कि हमारी जो शोरा हैं और हमारे अदिबा हैं वो मुसलसल इसी ताल्लुक से लिख रहे हैं, और अगर आप देखें तो एक पूरा करोना का एक आजकल का जो अदब है वो एक नया, एक पूरा, एक मुझे लगता है कि एक पूरी नया एक सिलसिला शुरू हो गया करोनाई अदब का। और यकीन मानिए कि बहुत से फोरम्स इस चीज़ को रोज़ाना के ताल्लुक से शोरा मुस्तकिल लिखते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही हमारे दिल पे हम अहले दिल हैं, मोहब्बत हमारा कलमा है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जब हमारी ज़िंदगी में आती है तो उसका असर हम पर होता है, सब पे हो रहा है, अब बेतहाशा हो रहा है, लेकिन शायरी पे थोड़ा, शायरों और अदीबों पे शायद ज़्यादा है, और उसका इजहार हम अपने लिखने अपनी शायरी से कर रहे हैं, तो वो यकीनन हर तरफ नज़र आ रहा है। और इसका मुझे लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट तो यकीनन हमें वक्त दिखाएगा।
ये इसमें तो कोई शक नहीं कि ये अब लाइफ चेंज है और इसके अंदर बहुत सारी हकीकतें जो हैं वो अपने कन्वेंशनल रवायती तरीकों के साथ नहीं चल रही। इसी सिलसिले में मैंने देखा कि आपने अदबी हलके में एक बहुत बड़ी चेंज जो आई जो जिसमें आप भी शामिल हैं, आपने उसमें अवलीन काम करने वालों में आप की सफ़ में आप शामिल हुई, वो थे ऑनलाइन मुशायरे करना। तो ये किस हद तक आप समझती हैं कि अदबी मंजरनामे पे पॉजिटिव यानी मुस्बत या मनफी असरात का हामिल होगा, क्योंकि सोबत एक ज़माने में बहुत अहम समझी जाती थी किसी भी अदबी प्रोसेस या एक अदबी सफ़रनामे के लिए। आप क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि इसके, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो इसके भी मुझे लगता है कि प्रोज, जस्ट जब मैंने ये ऑनलाइन मुशायरा हमने इसके लिए हम जमा हुए और हमने इस पर गुफ्तगू करनी शुरू की, तो जाहिर है कि ये तो एक मजबूत कदम है, क्योंकि लोग अपने घरों में बैठ कर इत्मीनान से उन शोरा को जिनको कि वो जब ही देख पाते हैं जब वो उस शहर में, फर्ज़ किया पाकिस्तान में, बहुत लोगों ने मुशायरा देखा और बहुत पसंद किया। ये वो लोग हैं कि जैसे आपने सबसे पहले अर्ज किया था कि कनाडा जो है वो हमारा शायरी का हब है, और यकीनन फख्र है हमें कि हमें वो सोहबतें मैसर हैं, और वो सोहबतें जो हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा अर्ज किया था कि सोहबत जो है वो हम शायरों के लिए, हमसे शायरों के लिए जो हम अभी सीखने तालिब इल्मी के, यानी तालिब इल्म तो हम सारी ज़िंदगी रहते हैं, लेकिन हम जैसे शोरा जो अभी लिखने की उन मनाजिल तक नहीं पहुँचे, हमारे पास वो असातज़ा मौजूद हैं जिनकी सोहबत ने हमें यकीन मानिए अच्छा मिसरा कहना सिखाया है। वो सोहबतें जो है वो हमारी हमारे लिए बहुत एक तरह से हमें उसका बहुत, हमने फ़ायदा भी उठाया और हमें फ़ख्र है कि हम उन सोहबतों में बैठते हैं। वो चीज़ तो ज़ाहिर है कि फ़िलहाल हमें नहीं मैसर, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन मुशायरा हमने किया तो मैंने बार बार यही कहा कि इस ऑनलाइन मुशायरे का सेहरा जो है वो कोरोना के सर है। तो यानी इसका मुस्बत पहलू तो यकीनन यह है कि हम पूरी दुनिया के किसी भी खत्ते में बैठकर उन शायरों को, उन शोरा को आप लाइव सामने से सुन रहे हैं जिनको कि आप अपने दूसरे हालात में, जब सब कुछ बेहतर था, जब कोरोना के से, जैसे कहते हैं कोरोना से पहले जो हालात थे, तो उसमें जब तक कि आप ट्रैवल करके, जब तक कि आप आप उस जगह ना पहुंचे, यहाँ से पाकिस्तान ना हो, तो आप पाकिस्तान के मुशायरे शिरकत नहीं कर सकते। तो अब ये देखिए कि वो हम खुशकिस्मत है कि हमने पहला मुशायरा और बहुत ही शुरुआत की, और उसके बाद माशाल्लाह एक खेप है मुशायरों की, और लोग बहुत खुश हैं, सुनने वाले भी खुश हैं, लिखने वाले भी खुश हैं, ज्यादा लोगों को मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत मुस्बत कदम है कि हम जो हैं वो इस तरह से, तो सोशल डिस्टेंसिंग एक हमारे एक मेरे साथ जो हमारे मुंतजमीन में एक अमीन हैदर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, क्योंकि समाजी तौर पे तो हम मिल रहे हैं, बात करें, अब हम और आप इस तरह से बात करें, एक तरह से जिस्मानी, इसे कहने के एक जगह पे नहीं है, तो सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा एक वो डिस्टेंस है जिसे कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कह सकते हैं कि आप उस ही एक जगह पे मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें हर चीज में मुस्बत पहलू ढूंढना चाहिए, और ये बहुत बड़ा मुस्बत कदम है। और जहाँ तक कि, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो अब हमें तो टेक्नोलॉजी के साथ आगे ही आगे जाना है। अभी 10 साल पहले आप सोचिए, हम सोच सकते थे कि इस तरह से हम हर एक, हम सब बहन भाई, सारे आपकी फैमिली जो भी है, चोरा है, आपस में इस तरह से इतनी इत्मीनान से बातचीत होती, यानी 5 साल पहले भी इतना कुछ नहीं था। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी दायरे के आगे बढ़ने का हमारे लिए एक तरह से एक कदम है आगे बढ़ने का, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना की बदौलत हमने ये अंदाजा लगाया कि नहीं, हम और तरीकों से भी टेक्नोलॉजी को हम और तरह से यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मुस्बत चीज़ है और हमें मुस्बत चीज़ों को ढूंढना चाहिए। टोरंटो हमेशा से हब समझा जाता है, बल्कि टोरंटो कुछ अरसे से बहुत पॉपुलर था कि यहाँ पे शायरी का बहुत उम्दा काम अभी भी जारी है, तो उसके लिए बहुत सारे मुख्तलिफ हलके जो हैं वो अपनी नशस्तें रखा करते थे, और अदबी लोग बहुत मसरूफ़ और बहुत क्रिएटिव नज़र आते थे। तो सीमा, अब क्योंकि लोग उस तरह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और हो पा रहे, तो इसका क्या असर आप समझती हैं? है ये पॉजिटिव है आप देखती हैं, या आप ये समझती हैं कि इसके नेगेटिव असरात हैं और देर पा हैं? देखिए, इसके तो कोरोना के अपने असरात बहुत नेगेटिव यकीनन हैं, पूरी दुनिया पर हैं, इकॉनमी के हिसाब से, अदब के लिहाज से, आपके आपके अपने ख़ानदानों के लिहाज से, ये तो, और अभी हमें नहीं पता कि ये कितना अरसा रहेगा, तो यकीनन ये तो एक मनफी इसका पहलू है, और बहुत बड़ा मनफी पहलू,
अब हम लोग घबराएंगे, बाद में भी जब हालात बेहतर इंशाल्लाह बहुत हो जाएंगे तब भी हर आदमी डरेगा, करीब जाते हुए हाथ मिलाते हुए, बड़ी महफिलों में जाते हुए। तो ये और वही जैसे आपने कहा कि हमारी जो नशस्तें, जो आपके यहाँ इतनी उम्दा हम लोग नशस्तों में बैठा करते थे, और वो जो गुफ्तगू थी, वो जो सोबत हमें मिल रही थी मुस्तकिल, अब वो चीज़ जो है वो जाहिर है कि उसके असरात यकीनन हमारे लिए इस लिहाज से मनफी है कि अभी बहुत अरसे तक ये चीज़ जो है वो वापस अपने उस तरह से नॉर्म में नहीं आने वाली जैसे कि हम चाहते हैं, जैसे कि हम पहले मिला करते थे बगैर जब वो आते, अच्छा भाई आज यहाँ मिलना है, आज ये करना है, आज ये नशस्त है, और वो सोहबतें जो है यकीनन उन पे बहुत असर पड़ेगा, जो कि एक तकलीफदेह बात है। लेकिन उम्मीद यही है कि अल्लाह करे, खुदा करे कि ऐसा हो कि ये बहुत जल्दी जल्दी तो खैर बहुत ही कबलज वक्त है, लेकिन जितनी जल्दी हो हम अपने उसी जिंदगी में वापस लौटे जिसमें कि हम थे। लेकिन यकीनन ये बड़ा लॉन्ग टर्म है और इसके असरात हर तरह से मनफी तो है ही हैं, और वो पड़ेंगे हमारी शायरी, हमारे अदब लेकिन क्या आप ये नहीं समझती कि इसकी बदौलत शोरा जो है वो अपग्रेड हो गए हैं, अपग्रेड इन अ सेंस कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्लोबली इंटरैक्शन किया है जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा मौके मिल सकते हैं बेशक कि आप ज़्यादा बड़ी सोबत के लोगों को भी अपने साथ शामिल करके और उनके साथ शामिल होके अपनी तख्लीक को ज़्यादा निखार सकते हैं। बिलाशुबा आपकी बात, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम लोग जब जिन अशोरा को हम उसी वक्त देख पाते या सुन पाते थे कि जब वो हमारे यहाँ आए, मतलब हिंदुस्तान के शोरा, पाकिस्तान के शोरा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के शोरा, इवन आप एक शहर से दूसरे शहर में आप उस दायरे में नहीं शरीक हो सकते, तो ये हम लोग वाकई ग्लोबली हमारा जो है इस टेक्नोलॉजी और इस कोरोना ने हमें ये मौका फराहम किया, क्योंकि हमें पहले नहीं था, शायद हम उस तरह से सोच ही नहीं रहे थे उस वक्त, लेकिन क्योंकि अब हम अपने घरों में हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास बहुत पहले से है, तो हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि वो शोरा भी जो बेचारे अभी जब हमने मुशायरा किया था तो उसमें चंद शोरा ऐसे हैं कि जो बुजुर्ग शोरा हैं जिनको टेक्नोलॉजी से इतनी समझ नहीं है, लेकिन उनको भी ने जो है बिठा के बताया और वो सब लॉग इन हुए और बहुत खुश हुए। तो ये अपग्रेडिंग जो है ना, ये यकीनन एक बहुत मुस्बत चीज है, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ी चीज है, और मुझे लगता है कि ये जो बदलाव हमारे अली अदब पे आया है ये बड़ा मुस्बत है, और ये यकीनन अब आगे चलता रहेगा, और हम इस तरह से जो है सिवाय इसके कि हम अभी वो उस तरह की सोशल गैदरिंग्स अभी नहीं होंगी, लेकिन हम अपने अदब को परवान चढ़ाने में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मुआवनत कर रहा है और बहुत बड़ी बात है। सीमा, इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है लेकिन हमें अपने टाइम के उसके अंदर करना है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव इसलिए भी है कि अब लोग उन वेबसाइट्स पे जाने की भी कोशिश करेंगे जिन पे जाने का और पढ़ने का और सेव करने का उनको टाइम नहीं मैसर था, कम्यूटिंग में बहुत टाइम था, उसके साथ साथ बहुत सारे और मसाइल थे जिसकी वजह से अब अदबी ख़ानदान को एक दूसरे को देखने, सोचने और समझने का ज़्यादा मौका मिलेगा, और उसके साथ साथ अदब के अंदर जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है और वो वहाँ मौजूद है उनके लिए वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हासिल कर सकेंगे। आज के हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। कल्चरल प्रोग्रामिंग के लिए और आर्ट की प्रमोशन के लिए, उसमें जब भी हम बात करते हैं साउथ एशिया की तरफ आते हैं तो मोज़ैक का नाम सबसे बुलंद नज़र आता है, उसकी रूह रुआ है, उसको चला रही हैं बहुत अरसे से, बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड हैं सोसाइटी के अंदर। आज हम उनसे बात करेंगे आर्ट और कल्चर के हवाले से और इस हवाले से कि वो इस सिलसिले में क्या समझती हैं, क्या चेंजेस हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं आसमा अरशद महमूद, आपको खुश आमदीद। शुक्रिया हलीमा सादिया, थैंक यू सो मच टैग टीवी। आसमा, आप बहुत अरसे से आर्ट से मुंसलिक हैं, ख़ास तौर पे आपकी खिदमात कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हैं, और जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका मोज़ैक ख़ास तौर पे बहुत डोमिनेंट है।
बहुत पाइनियर्स में आपने इस मेले को किया और इसमें बहुत सारे लोगों को आने का और बहुत सा काम करने का मौका मिला। तो जब ये सारा COVID-19 का सिलसिला चल रहा है और उसके अंदर आइसोलेशन है, तो आप क्या समझती हैं कि ये कल्चरल इवेंट्स, कल्चरल क्रिएटिविटी के ऊपर कितना असरअंदाज होता है? हलीमा, आर्टिस्ट्स को अगर एक कोई मौका मिले जिसके अंदर वो बैठ के अपनी क्रिएटिव काम शुरू कर दें और बाहर का कुछ काम ना करना पड़े, जो एक ख़ास किस्म का ये जो क्वारंटाइन वाली सिचुएशन है, तो बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए तो ये एक बहुत बड़ा इनाम तोहफा होता है, क्योंकि उनको फाइनली मौका मिलता है कि किसी चीज़ की फिक्र किए बगैर वो अपने आर्ट पे, अपने क्राफ्ट पे ध्यान देते हैं और उसको डेवलप करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप आर्टिस्ट जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो हमारे आजकल के दुनिया के हालात हैं, पूरी एक ग्लोबल सिचुएशन है जिसमें हम सारे जमा हुए हैं और आर्टिस्ट उसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसके सिलसिले में आपने देखा होगा ग्लोबल सिटीजन ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था जिसमें कोक स्टूडियो पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा था, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा था, पूरी दुनिया ने पार्टिसिपेट किया था पिछले हफ्ते, वो फंड रेजर था WHO के लिए। तो इसी तरह और दुनिया में आर्टिस्ट्स हैं जो अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसी तरह वो आउटलैंडर की पूरी कास्ट है, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की NHS जो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज ऑफ UK उनके लिए बहुत बड़ा फंड रेजर अरेंज किया है। पाकिस्तान में आर्टिस्ट इतना काम कर रहे हैं, नई एल्बम्स निकाल रहे हैं, वो सारा डेडिकेट कर रहे हैं उसको टूवर्ड्स मेडिकल सप्लाइज। तो आर्टिस्ट इस लिहाज से बहुत एक्टिव हैं, बहुत फाल हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अभी जाहिर है क्योंकि एक डाउन टर्न आया हुआ है, वो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उनके लिए फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आगे जाके होंगी। बाकी दुनिया के आर्टिस्ट का तो मैं नहीं कह सकती, मैं कनाडा के आर्टिस्ट के बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि कनाडा में गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी दे रही है, जो आर्टिस्ट अपना रेगुलरली काम नहीं कर सक रहे उनको गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, विच इज़ ट्रमेंडस। और जो आर्टिस्ट अपना काम इस टाइम पर कर रहे हैं, उनको ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली है एक डिफरेंट पराए से दुनिया को और ज़िंदगी को देखने के लिए। आई थिंक एक और जो बड़ा ज़बरदस्त मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली जो चेंज आई है वो ये भी आई है कि हम अपनी ज़िंदगी को एनवायरनमेंट के हवाले से देख रहे हैं। जैसे आपकी फ़ज़ा साफ़ हो गई है क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही, इंडस्ट्री नहीं चल रही, तो इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है आर्टिस्ट्स के ऊपर हो रहा है और वो उसको भी रिस्पॉन्स कर देके उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा हो गई है आर्टिस्ट की फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए, जो काम करने के लिए जो एक ख़ास इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती थी वो अब मैसर नहीं, लेकिन डायमेंशंस चेंज हो गई हैं। आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखती हैं या आप देखती हैं कि इसका ज़्यादा, क्योंकि जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव निकालते हैं तो ज़्यादा और कम की बात होती है, तो ज़्यादा मुस्बत असरात हैं या ज़्यादा मनफी असरात हैं, आप क्या समझती हैं? देखिए, जब सारी सोसाइटी रुक जाती है तो जाहिर है मनफी असरात तो होते हैं। आर्टिस्ट अभी अपना काम एग्जिबिशंस नहीं कर सकते, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ साथ हमें पॉजिटिव माइंडसेट भी रखना है, बड़ा ज़रूरी है वो। और उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमने किसी को मिलना है जाके, या हमने कोई जो यूजुअल काम होते हैं जो दुनिया के वो हमने करने, हमारी कंसंट्रेशन आजकल एक लिमिटेड स्फेयर के अंदर है और उस स्फेयर के अंदर रहते हुए हम कैसे अपना काम क्रिएटिव एलिमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं जो है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों की। अब हमें पता है कि इस टाइम के हवाले से बहुत सारे काम जो हैं आर्टिस्ट क्रिएट करेंगे, बहुत फिल्में बनेंगी, बहुत कहानियां लिखी जाएंगी, बहुत नज़में कही जाएंगी, तो वो आर्टिस्ट तो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो पॉलिटिकल भी होते हैं, वो सोशल भी होते हैं और वो हर चीज़ को का उनके ऊपर असर होता है। तो हम
इस टाइम के हवाले से भी आर्टिस्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग काम देखेंगे। बैंक्सी जो है बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने अभी अपना लेटेस्ट आर्ट वर्क क्रिएट किया और उसकी तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पे लगाई, बहुत मजे किए। और उसमें वो उन्होंने अपना, तो उनका बाथरूम नहीं होगा, कोई और बाथरूम लेके उसके अंदर उन्होंने वो चूहे बनाए हैं कि वो नाच रहे हैं, भाग रहे हैं और टॉयलेट पेपर खींच रहे हैं, ऑल दैट। और उस पर उन्होंने लिखा है कि मेरी बीवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं घर से काम करता हूँ। तो वही सेंसिबिलिटी जो है वो उसने शेयर की है लोगों के साथ, विच इज वेरी क्लेवर कि इतनी जल्दी ही केम अप विद दिस आइडिया एंड ही डिड इट एंड ही प्रमोटेड इट। उसके बाद और सारे, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। एक हमारी टोरंटो की आर्टिस्ट हैं, उन्होंने उनको सड़कों पे जो ग्लव्स लोग जो डिस्पोज कर रहे हैं ना, डिस्पोजेबल ग्लव्स फेंक रहे हैं, उन्होंने वो सारी तस्वीरें जमा करके तो वो उनका एक ऑनलाइन एग्जिबिशन लगा दिया। क्योंकि लोगों को ये एहसास नहीं होता कि आप एनवायरनमेंट, एक तरफ तो आपकी एनवायरनमेंट साफ हो रही है, दूसरी तरफ आप उस एनवायरनमेंट को दोबारा पोल्यूट कर रहे हैं अपना डिस्पोजेबल ग्लव्स या मास्क वगैरह को फेंक के। तो आर्टिस्ट हर चीज को रिस्पॉन्ड करेंगे और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है आर्टिस्ट के लिए आज के दिन में। आर्टिस्ट एक बहुत ही हसास तबीयत का मालिक होता है और उसी वजह से वो उसका थॉट प्रोसेस इस तरह वर्क करता है कि वो बहुत जल्दी और ख़ास तौर पे जब वो पीस में होता है तो या बहुत ज़्यादा, मैं ये समझती हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल बैकिंग के साथ बहुत अच्छा आर्ट क्रिएट होता है। ये एक फिनोमेना जो है वो बहुत आम कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि टोरंटो ख़ास तौर पे दुनिया भर में बहुत मशहूर है अपने कल्चरल इवेंट्स और अपने कल्चरल हेरिटेज को कैरी करने के मामले में। हम बहुत मल्टी कल्चरल हैं और उसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बिंग भी हैं और इस सिलसिले में हमारे बहुत ज़्यादा कल्चरल इवेंट्स होते हैं। आपका मोज़ेक खास तौर पे बहुत लोगों को इंतज़ार रहता है, लोग पूछते हैं। तो अब इस तमाम सूरत हाल में आप क्या देखती हैं कि ये सरगर्मियाँ दरअसल आउटलेट होती हैं लोगों के लिए, तो इन सब की वजह से क्या इम्पैक्ट आप देखती हैं? अलीमा, मैं इस दफ़ा 30 जून तक जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं कनाडा में प्लान हो रही थी वो सारी कैंसिल कर दी गई हैं, इंक्लूडिंग लुमिनाटो जो कि इतना बड़ा थिएटर फेस्टिवल होता है, कॉन्टैक्ट फिल्म फोटोग्राफी फेस्टिवल जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा फोटोग्राफी का फेस्टिवल है जो कनाडा में होता है। तो और बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स, देसी फेस्ट वगैरह जिस तरह, सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं। लेकिन हम लोग जो अब हमारी कोशिश ये है कि हम किसी तरह अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा ये 15वां साल है, आप हमारे पहले साल से हमारे साथ साथ हैं और ये हमारा 15वां साल है मोज़ेक का, तो रॉक द कॉलिसियम का भी और मोज़ेक का भी। तो हमने काफ़ी प्लान किया था बड़ा इवेंट 15वीं एनिवर्सरी को लेके, लेकिन अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम सिर्फ लोकल आर्टिस्ट को लेंगे क्योंकि उनको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऑलरेडी हमने वैंकूवर से एक ग्रुप है उनको बुक किया हुआ है, टोरंटो का एक बहुत बड़ा ग्रुप है उनको बुक किया है, यूएस से एक दो आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो हम अभी तक तो हमारे ऑल सिस्टम्स गो हैं क्योंकि हमारा फेस्टिवल 7 और 8 अगस्त को सेलिब्रेशन स्क्वायर में मुनाक़िद होगा। तो सिटी हमें 3 जुलाई तक हमें कंफर्म कर देगी कि वेदर वी आर गोइंग टू गो अहेड विद इट और नॉट, क्योंकि कैरेबाना तो कैंसिल हो गया जो उससे पहले आना था। तो अब देखिए कि क्या होता है। फिल्म फेस्टिवल हम नहीं कर सकेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आई डोंट थिंक इंडोर इवेंट्स की इजाज़त हमें सितंबर तक मिलेगी, बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अभी हम टिफ का भी सोचेंगे कि टिफ का क्या होगा, बिकॉज अगस्त में टिफ हो, सितंबर में टिफ है। सो ऑल दीज थिंग्स ये पड़ी हैं। आपका जो कांस फिल्म फेस्टिवल है वो कैंसिल हो गया है, वो हालांकि वो मई में था लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया, वो भी फ्रांस के हालात देखते हुए। तो आप तो, क्या समझती है कि ये कल्चर जो एक्टिविटीज़ होती हैं दरअसल ये बहुत हेल्थी होती हैं और आवाम को ज़रूरत होती है अपने आप सेलिब्रेशंस के, स्पेशली कनाडा में समर्स बहुत कम टाइम के लिए होता है जिसको लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये लोगों के अंदर ज़्यादा बेचैनी का बाइस नहीं होगा, ज़्यादा परेशानी के लिए नहीं होगा, इंस्टिगेटर नहीं होगा? देखिए, अब ये तो सारी दुनिया का मसला हुआ है ना, ये सिर्फ कनाडा का या पाकिस्तान का या इंडिया का मसला तो है नहीं। अब सारी दुनिया के अंदर ये ऐसी वबा है जिसके अंदर
हम सबको कोलैबोरेटिव तरीके से अपने आप को महफूज करके रखना है, और लोगों की हिफाजत जो है वो सबसे बड़ा हमारे लिए कंसर्न होगा। तो इस वजह को देख के हम ओवरसीज से आर्टिस्ट मोस्ट प्रॉब्ली इस दफ़ा नहीं लेके आएंगे। अलबत्ता हम उसकी जगह ये कर रहे हैं कि हम एक अदद कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने सारे एलुमनाइज के साथ, यानी कि जो हमारे 15 साल में जो बड़े बड़े नाम हमारे पास आए थे मोज़ेक फेस्टिवल के लिए, हम उन सब के साथ ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर वो सारे आएंगे, मोज़ेक के 15वां साल की मुबारकबाद भी देंगे, उनकी कोई क्लिप्स भी हम दिखाएंगे जो उन्होंने मोज़ेक के ऊपर परफॉर्म किया उसको, और उसके बाद उनसे कुछ बातें होंगी, कुछ हमारे ऑडियंस के सवालात होंगे, रैपिड फायर राउंड होगा। तो इस तरह करके हम उन आर्टिस्ट को इंगेज करेंगे और उनका प्रोजेक्ट जो है वो हमारा मोज़ेक के 15वां साल सेलिब्रेट करने के हवाले से होगा। तो आजकल ज़्यादातर काम ये जो है ये ऑनलाइन होगा, हम घर पे हैं, हम सब ऑनलाइन काफ़ी होशियार हैं मैनेज करने को, हमारे अगर हमें नहीं आता हमारे बच्चों को आता है, तो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं बच्चे भी हमारे साथ। इट्स अ ग्रेट वे ऑफ लर्निंग ऑल्सो, हम बड़ी सारी वो चीज़ें सीख रहे हैं जो हम शायद वैसे उस पर तवज्जो ना भी देते तो ऐसा होता। सो आप ये समझती हैं कि ये तमाम चीज़ें दरअसल टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन जो है वो अब इन कल्चरल प्रोग्राम्स के ऊपर भी है, ऑनलाइन ही इसको इसका फ्यूचर देखा जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरह देखिए ना, आप लोग जो सर्विस दे रहे हैं, आप लोग पूरी दुनिया की खबर, अखबार है, म्यूजिक है, ये सारी चीजें आप लोग भी कर रहे हैं, तो ये जो IPTVs या जो मीडियम्स हमारे पास इंस्टाग्राम के या ये सारे मीडियम्स एंड कम्युनिकेशन के, ये अब इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम 100-100 लोगों को लेके जूम मीटिंग्स कर सकते हैं और ये सारा कुछ हो सकता है। तो हमें फिर इन्हीं रिसोर्सेस को इस्तेमाल में लाके तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये साल तो इस लिहाज से हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास ये साल हमारे इम्तिहान का साल है और सबका इम्तिहान है इसमें। इसमें कामयाब वही लोग होंगे जो अपनी एहतियात हिफाजत करेंगे और दूसरों की हिफाजत करना जानते होंगे, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ अपना ख्याल रखें बल्कि वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनका भी ख्याल रखा जाए। बल्कि शायद ये सिर्फ लोगों का ही नहीं, ये पूरी स्पीशी का ताल्लुक है, पूरी की पूरी इन्वायरमेंट जिसमें हर चीज़ शामिल है, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, पौधे, हर चीज़ की केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और इनकी केयर करने से हमारी केयर है दरअसल। हाँ जी बिल्कुल, और अपना ख्याल रखना, एक्सरसाइज रेगुलरली करना, अपना खाने पीने का ख्याल रखना, ये वाली सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर हमें हमें एक नया मौका मिल रहा है। ये एक हमारी जिंदगी में एक बड़ा यूनिक टाइम है जिसमें हमें इन सारी चीज़ों को देखने का, अंडरस्टैंड करने का और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिल रहा है। हमारी फाइलें, हमारा पेपर वर्क, हमारा सामान, जितना कुछ था, हमें ये टाइम मिल रहा है कि हम उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करें चीज़ों को। और एक और चीज़ आई थिंक जिसकी मुझे एक तरह से खुशी है, हमारी जिंदगियां सादी हो गई हैं, ज़रा सी हमने थोड़ी सी सादगी कर ली है, अब हमें घबराहट नहीं होती अगर हमारे बाल सफ़ेद नज़र आ रहे हैं तो। इस पे बहुत अच्छी क्रिएटिविटी किसी ने की, उसने एक क्लिप लगाया, उसने कहा कि ये कोरोना से पहले वाली आंटी हैं और ये कोरोना के बाद वाली आंटी है। ये कोरोना के बाद बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी एक्स्ट्राज हमारी लाइफ से निकल गए और हम वापस जो हम हैं उसकी तलाश में, मेरा ख्याल है अपनी तलाश के अंदर वापस आ गया है इंसान, उस तलाश से जो वो बाहर बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था। आपसे हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू इस पे कर सकते हैं लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। आज के इस प्रोग्राम में आने का और अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। COVID-19 और क्वारंटाइन 2020, ये इस वक्त तमाम दुनिया में एक बहुत बड़ा ही चैलेंज है
और इस सिलसिले में एस्ट्रोलॉजर भी बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हमारे बहुत ही जाने पहचाने कैसर इकबाल साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इन हालात के बारे में वो क्या सोचते हैं। जी कैसर साहब, आपको हमारे शो में खुश आमदीद। तो कैसर साहब, आप ये बताइए कि इस हवाले में आपने क्या प्रिडिक्ट किया था, क्या हुआ, और आप आइंदा के लिए क्या प्रिडिक्ट करते हैं? असल में जो बेसिक बात है ना, जो समझने की है, वो ये है, मैंने एक दो चैनल पर पहले भी बात की है कि हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई साइंसदान है, वो अपने तरीके से किसी चीज को बताता है, और जो हमारे जैसे लोग हैं जिनका ताल्लुक सितारों की दुनिया से है, हम अपने तरीके से बात करते हैं। ये 100% ये जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, ये राहु और केतु की नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। राहु और केतु कभी भी किसी इंसान के लिए बेहतर नहीं हुए, और कभी भी किसी मुल्क के लिए या दुनिया के लिए बेहतर नहीं हुए। इसलिए दुनिया के जितने भी डिजास्टर, जितने वाकयात हो चुके हैं, अगर आप उनको गिने, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम 1945 में हुई, 1917 में पहली हुई, 9/11 हुआ, 2005 वाला डिजास्टर बहुत बड़ा ज़लज़ला पाकिस्तान में आया, और ये पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हुई, ये जितनी चीज़ें हैं, अगर कोई डिटेल में जाना चाहे मेरे से रब्ता करे, मैं तारीखों से बताऊँगा, गिन गिन के बताऊँगा कि ये इस वक्त राहु और केतु अच्छी पोजीशन पे नहीं थे। अब भी लोगों ने मेरे साथ सवाल किया कि जनाब आपकी सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि जब भी कभी, आम तौर पर जब भी कभी राहु जमनाई में आता है, तो अपने साथ वो इस तरह की तरकीबें लेके आता है, कोई तो बीमारी फैल जाती है, कोई कुछ होता है। कोई याद है आपको टाउन की बीमारी फैली थी? जी जी। वो भी यही राहु केतु की वजह थी। मैं उससे छोटा था, ऐसे लगता था जैसे झाड़ू फिर गए, लोग अपने घरों में छोड़ के जंगलों में चले गए थे। तो अब भी जो ये वाकया हो रहा है ना, ये राहु जमनाई में है, और राहु जब भी कभी जमनाई में आता है 18 साल के बाद, उस वक्त कोई ना कोई तरकीब ऐसी होती है, नाम बदला जाता है, लेकिन इंसानों की मौतें होती हैं, और वो जो है, लेकिन अच्छा इसके पीछे क्या है, इसके पीछे सबको पता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ना एक मैसेज है, लेकिन उसको राहु को इस्तेमाल कर लिया। राहु जब राहु ने अपना एक्शन दिखाया, तो जो कुछ बीमारी शुरू हो गई उसका नाम रख दिया। तो बेसिकली तो ये पीछे से एक झटका है। सो ये बेसिकली एक नेगेटिव, राहु एक नेगेटिव फोर्स है जो एक सर्टन पॉइंट पे पहुंचती है सितारों के सिस्टम में, तो ये सब कुछ होता है। तो उसकी वजह से हर इंसान पे, क्या आप समझते हैं कि हर इंसान पे मुख्तलिफ इफेक्ट होता है, या सबके ऊपर एक ही जैसा इसका इफेक्ट होता है? नहीं, हर इंसान पे मुख्तलिफ होता है। ये राहु जो है ना, ये अगर एक दो जगह ऐसी हैं दुनिया में, ऐसे भी इंसान हैं जो कि मिट्टी से बादशाह बन गए हैं और बन जाते हैं, उनका राहु सही होता है। यानी एक बाप के दो बेटे हैं, एक जो है वो किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, और दूसरा बेटा जो है वो साइकिलों को पंचर लगा रहा है। वो जो साइकिलों को पंचर लगाता है, समझो कि उसका राहु विदेशी तौर पर जीरो है, बहुत नेगेटिव है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि क्वारंटीन के हवाले से बहुत से, आपने बहुत अच्छी बात की कि इसमें भी बहुत से लोगों को मिट्टी से सोना है, और बहुत से लोगों को सोना से मिट्टी है, यानी कि एक बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंज है लाइफ में। लेकिन अब हम थोड़ा सा इससे बाहर आते हैं, आप ये बताइए कि आप अगले चंद सालों में दुनिया के ऊपर इन सितारों की हरकत को कैसा देखते हैं, और ये क्या असरात लेके आएगी? देखिए जी, ये सबसे पहले चंद सालों के बाद में बात करूंगा, अभी मैं आपको जो करंट है वो बताऊं। लोग पूछते हैं जी ठीक कदों होना है, ये 20 मई से फर्क पड़ना शुरू होगा। 20 मई से फर्क पड़ना शुरू होगा, और 8 सितंबर को जाके ये 70% बेहतर होगा। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि राहु ने जमनाई से बाहर निकल जाना है। जब राहु जमनाई से बाहर निकलेगा, तो उसका जो प्रेशर है ना, बिल्कुल नेगेटिव, वो कम हो जाएगा, सिर्फ 20% रह जाएगा, वो उसके बाद थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन
ये 8 सितंबर जो है इसकी जो बड़ी हमले वाली टाइम है ना वो है, उसके बाद ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मई से 20 से फर्क पड़ना शुरू होगा। ये कोई भी जो सुन रहा है वो लिख ले, और भी लोग बड़े पंडित हैं जिन्होंने प्रिडिक्शन किए हैं, लेकिन मेरी ये गिरी मेरी चीज़ें हैं, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसका जो तरीका है ना वो ये है कि अपने घरों में बैठे रहना और अंदर ही अंदर जो है प्रे करना। हम चाहे किसी भी धर्म से हैं, हम सब एक ही छतरी के नीचे रहते हैं, वो अल्लाह ताला की छतरी है, और हम उसकी जो भी प्रे हमें मिली है हम वो करें और फूड वगैरह का सदका दान करें, उससे कुछ नरमी होगी। बाकी वो अलहदा बात है कि कोई दवाई निकल आएगी, कोई इंतजाम हो जाएगा, वो भी खुदा की दी हुई सेंसी है, वो किसी अपने बंदे की कोई वो खुद नहीं लेके आया साथ। तो तरीके तरीके से बचत होगी, लेकिन 20 मई से फर्क पड़ना शुरू होगा और 8 सितंबर से इसका जो एग्रेसिव है ना बहुत ज्यादा प्रेशर वो कम होगा, इसलिए कि ये जमनाई से बाहर निकल जाएगा। तो आप ये बताइए कैसर इकबाल साहब, ऐसा कब कब होता है जब, अब तो ये ग्लोबल हो गया ना, सारी दुनिया के ऊपर असर है और सारी दुनिया के ऊपर इकोनॉमिकली भी असर है, तो हर इंसान पे भी असर है, तो ऐसा कब कब होता है? राहु इस स्टेट में कितने अरसे के बाद आता है? जो जब 18 साल के बाद जगह बदलेगा उस वक्त लाजमी है, लिखी पड़ी बात है, कोई लिखते हमारी जिंदगी कितनी है किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन जो मेरे अल्फाज है कि हर 18 साल के बाद राहु जो है ना एक नेगेटिव प्लेस पे आता है, जब नेगेटिव प्लेस पे आता है तो वो कोई ना कोई उसने हमला करना होता है, नाम बदल जाता है। उसके बाद राहु फिर अब इसके बाद जब राहु जेमिनी से निकलेगा अभी 8 सितंबर को, फिर नौ साल के बाद इसका कोई ना कोई चक्कर होगा। कोई अगर है तो देख ले पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई 1972 में, उस वक्त राहु जो है वो बहुत नेगेटिव प्लेस पे था। जब वो नेगेटिव प्लेस पे होता है तो उसका मुंह इंसानों की तरफ होता है, मौतें कराता है वो, चाहे वो जंग करवा दे, चाहे वो बीमारी करवा दे, चाहे वो किसी तरीके से कुछ कर दे। एक राहु इज नेगेटिव, एक नेगेटिव प्लेनर है ये दुनिया के लिए, राहु और केतु दोनों ही बड़े नेगेटिव है। घर में भी ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, ये यही होता है कि किसी ना किसी बंदे का राहु या किसी ना किसी बंदे का केतु घर में खराब होता है, और वो फिर अगर उसको कोई अगर कोई दान पूजा की जाए या उसको बताया जाए तो उससे फर्क पड़ता है। मुझे एक सेठ साहब यहाँ वॉक करते मिले थे, कहने लगे जी साढ़े घर से कले कले बड़ी होंगी है, दसो तुम टीवी से बोल रही हो। मैं कहा जी अपने घर से ना कुत्ता रख लो। तो वो मुझे देख के कहने लगे तुम की गल करते हैं। मैंने कहा जी राहु केतु का तोड़ कुत्ता है, कि अगर आप कुत्ते को अपने हाथ में फूट डालें तो केतु जो है वो शांत होता है और घर में शांति होती है। तो फिर वो मुझे अगले साल मिला वहां करते, कहने लगा जी वो तुझी एक गल दसी थी, उस बोला नहीं गल जनाब इंज हो गया जिम्मे ठंड पै जाती, क्योंकि जो केतु है ना उसका उसको शांत करने का एक ही तरीका है, कोई मोती शोती पहनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डबा कुत्ता या काले रंग का कुत्ता हो उसको फूट डालें, वो आपका केतु जो है शांत हो जाएगा। राहु के लिए जो है फूट दे, सात अनाज दे, अपने हाथ हाथ लगा के अपने अल्लाह ताला के दुआ करके मंदिर में दे दे, मस्जिद में जहां मर्जी दे दे, उससे आपका राहु भी शांत होता है। ये तरीका तो है इंडिविजुअली, एक कोई आदमी हो उसको प्रॉब्लम, लेकिन ये चूंकि ऑल ऑफ द वर्ल्ड है इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब लोग जो है अंदरों में बैठे हैं, वी शुड प्रे टू द गॉड। हमें सदका दान करना चाहिए अपने घरों में बैठकर, हम जिस धर्म में भी हैं वी ऑल बिलीव इन गॉड, हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और देखना फिर ये आसानी होती। अच्छा, जब ये 8 सितंबर होगा उसके बाद भी कुछ देर तक असरात रहेंगे थोड़े थोड़े, यानी लोगों को महसूस होगा, मगर वो इसी तरह ही है कि ये जो मैं ये कहता हूँ कि भाई वी शुड प्रे बस उसका आसान आ जाए। अच्छा चलिए, अब ये बताइए कि ग्लोबली जो इतना एवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है, तो ये सितारे क्या कोई ख़ास पोजीशन के ऊपर जाने वाले हैं और कोई ख़ास तब्दीलियां आने वाली हैं, या ये एक आम प्रोसीजर है सितारों में ऐसा होता रहता है? नहीं जी, बेसिकली तो वैसे 20 तारीख को एक सितारा बदला था, वो तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अब वो राहु का बीच में चक्कर पड़ गया है, वरना तो मैंने लोगों को बताया था कि भी खुशखबरी है कि शनि जो है वो अपने घर में आया है 32 साल के बाद,
जब कोई बंदा 32 साल के बाद आता है ना किसी अपने मुल्क में अपने घर में, तो क्या बात है, उसने तो जनाब लिफाफे उठाए होते हैं, तो बड़े तोहफे। तो मैंने कहा ये देगा, मगर ये है कि उसके लिए भी कंडीशन है कि वो कहता है कि तुम कुछ दान पूजा करो, कुछ प्रे करो, मैं तुम्हें दूंगा। तो वो एक बड़ा अच्छा तरीका है, वो करें लोग जो है। मेरी तो हर बात जो होती है वो वहीं आगे रुकती है, तो प्लैनेट जो है ना वो ठंडे होते हैं मेडिटेशन करने से, प्रे करने से, पूजा करने से, दान करने से। तो वो जो है उसने उसने 2.5 साल रहना है अपने घर पे, अपने ऊन घर में आया 32 साल के बाद, वो बहुत फायदेमंद है। उसके बाद फिर अगले 2.5 साल जो है वो भी उसका अपना घर है, समझो कि पब्लिक के लिए हर बंदे के लिए 5 साल बहुत जबरदस्त है। मगर ये सारा कुछ जो है, ये वो जो शनि है ना, वो खुद कहता है कि प्रे गो इन द रूम एंड प्रे टू द गॉड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए सुनने वालों को मैं ये कहूँगा कि शनि के लिए भी कोई काला फूट थोड़ा बहुत अगर आप दें उसको कुछ करें। बाकी अब अभी गुरु जो है वो रिटर्न हुआ है, रेट्रोग्रेड हुआ है, वो थोड़ी कुछ देर के बाद अपने घर में चला जाएगा, इट विल बी बेटर ऑफ। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बदलती रहती हैं, लेकिन ऑल ओवर जो टाइम है सितारों के लिहाज से सोए राहू के बाकी ठीक है। ठीक है, तो अब आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हो इस बहुत ही मुश्किल टाइम के ऊपर? अपने व्यूअर्स को मैं मेरा नंबर बता दूं अपना? जी जरूर, मेरा नंबर है अगर कोई बात करना चाहे 416-831-0493। आप भी जरा वहां लिख दें काइंडली ताकि कोई। जी जरूर जरूर, 416-831-0493। तो व्यूअर से यही कहूंगा कि ये जो टाइम है ये बड़ा डेलिकेट है, जिंदगियां आपको देखो कितनी पानी की तरह जा रही हैं। आप सुबह से उठते हैं तो गिनती पता लग जाता है, इंडिया में इतने, पाकिस्तान में इतने, कनाडा में इतने। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, हमारी एक अजीजा थी वो पाकिस्तान गई थी, वो पता नहीं वहीं से वो कोरोना ले आई, उसकी परसों डेथ हो गई है। तो ये सुनना आसान है, लेकिन जिसका कोई जाता है उसको पूछो कि उसके साथ क्या होता है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि हम परमात्मा के आगे, अपने अल्लाह के आगे सर झुका दें। और जो कुछ हम कर रहे हैं, ये जो हमें झटका मिला है ना खुदावंद की तरफ से एक चैलेंज, इससे रुके। ये जो मुल्क में हो रहा है ये सारा जो है ना इसकी वजह से है कि हम बचें और बचाएं दूसरे को और एक दूसरे की मदद करें और प्रे करें। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपसे लोग अपनी पर्सनल जायचे के लिए राबता कर सकते हैं और आपसे पर्सनल राय भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली दुनिया के बारे में आपकी राय आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शेयर करने का बहुत शुक्रिया। ये टाइम मुश्किल है, ये वो वक्त है जिसके अंदर हम एक चेंज से गुजर रहे हैं, ये एक नई हिस्ट्री का आगाज़ है। इसके लिए किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात की जिसको मैंने बहुत इन्जॉय किया, उन्होंने कहा जब कोई हिस्ट्री लिखेगा तो वो लिखेगा BC बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। जैसे पहले हम कहते थे बिफोर क्राइस्ट, अब लोग कहा करेंगे BC बिफोर कोरोना। तो लाइफ एक्चुअली बदल गई है और बदल रही है। हमारी आर्टिस्ट और हमारी बहुत प्यारी आसमा महमूद ने बहुत खूबसूरत बात की कि दरअसल ये एक टेस्ट है, टेस्ट से प्रिपरेशन है आपके लिए, आपके फ्यूचर की। लाइफस्टाइल को सादगी से रखिए, वो ज़माने याद कीजिए जिसके अंदर इंसान बहुत कम में बहुत खुश था। दरअसल हम फिर से अपने आप को अपनी तरफ वापस ला रहे हैं, इंसान एक दफ़ा फिर अपनी असल की तरफ लौट रहा है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, उन लोगों और उन चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए जिनके बारे में आप सोचते थे कि जब हमारे पास वक्त होगा तो हम उसको करेंगे। इसको बहुत कीमती वक्त जानिए और इसको बहुत अच्छी तरह स्पेंड कीजिए। हम इस सिलसिले में बात करते रहेंगे, कम्युनिटी की डिबेट्स जनरेट करते रहेंगे, मुख्तलिफ शोज आप तक लाते रहेंगे, लेटेस्ट बात पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और आज का ये शो देखने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.